हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, वीडियो का थंबनेल देखकर आपको आज के वीडियो का टॉपिक पता चल ही चुका है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की कुछ बेसिक डिटेल्स, जिनमें आपका एडमिशन बहुत ही लो परसेंटाइल पर हो जाएगा। अब भाई कितनी परसेंटाइल पर हो जाएगा? तो भाई जेई मेंस के अंदर 75% 80% भी भाई लो परसेंटाइल ही कंसिडर करी जाती है, लेकिन इन कॉलेजेस में भाई आपका एडमिशन 50% 40% एंड इवन 30% पे भी हो सकता है। यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूंगा भाई, काफी दिनों से यार मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था और उसके पीछे रीजन था भाई कि मेरे यार कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे। लेकिन फिर भी आप चैनल से जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। अब भाई पेपर हो गए खत्म, टेंशन खत्म, अब आपको इस चैनल के ऊपर रेगुलरली वीडियोस मिलते रहे। तो भाई इंट्रो में सिर्फ इतना ही, वैसे भी बहुत बड़ा हो चुका है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है यार CRSSIET झज्जर, जिसका पूरा नाम है यार चौधरी रणवीर सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झज्जर। भाई इस कॉलेज को यार मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, लेकिन भाई वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी, जिसकी वजह से यार उसके अंदर थोड़ा ऑडियो वगैरह इतनी क्लियर नहीं आ रही, वीडियो एडिटिंग वगैरह भाई मेरे से इतनी अच्छी नहीं हो पाई। तो भाई अगर आप चाहते हो यार मैं इस कॉलेज के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो बनाऊं, तो भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। इस कॉलेज के ऊपर भाई मैं आपको एक अपडेटेड वीडियो बना के दे दूंगा विद अपडेटेड न्यू कंटेंट। तो भाई यह कॉलेज यार आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2017 के अंदर, बिल्कुल न्यू कॉलेज है यार। रिकॉग्निशन की बात करें तो द इंस्टीट्यूट इज एफिलिएटेड टू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MTU रोहतक एंड इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। फीस की बात करें तो भाई आपकी फर्स्ट ईयर की फीस है ₹40,000। इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स की बात करें तो भाई आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाता है, सिविल इंजीनियरिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मिल जाती है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है। यहाँ पे यार मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, इस वीडियो में मैं आपको जितने भी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा और सभी के अंदर आपको ये पांचों प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। तो भाई बार बार यार इन पांचों प्रोग्राम्स के नाम रिपीट नहीं करेंगे। कैंपस की बात करें तो भाई इस कॉलेज का कैंपस यार आपका 40 एकड़ में फैला हुआ और हॉस्टल फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। हॉस्टल फीस की बात करें तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कॉलेज 2017 में एस्टेब्लिश हुआ था और यार हॉस्टल की जो बिल्डिंग है वो यार इसी साल बनके रेडी हुई है और कोविड की वजह से अभी तक यार हॉस्टल नहीं खुले हैं, जिसकी वजह से यार हॉस्टल की एग्जैक्ट फीस क्या रहने वाली है ये अभी डिसाइड नहीं की गई है। लेकिन अगर मैं आपको एक रफली आइडिया बताऊँ तो भाई आपकी 10,000 से 12,000 रुपये फीस होने वाली है हॉस्टल की पर एनम, जिसके अंदर भाई आपके मेस चार्जेस इंक्लूडेड नहीं होंगे। मेस के जो चार्जेस होंगे भाई वो आपके वेरी करेंगे 2,000 से 3,000 के बीच में, जो कि आपको पर मंथ पे करने होंगे। अब जान लेते हैं यार अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, जिसका नाम है SIET नीलोखेड़ी। तो भाई इसका पूरा नाम है यार स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नीलोखेड़ी। इस कॉलेज के ऊपर भी भाई मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आपका दिल करे तो भाई आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। यह कॉलेज भाई आपका एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में। रिकॉग्निशन की बात करें तो भाई यह कॉलेज आपका अफिलिएटेड है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एंड अप्रूव्ड है AICTE एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। फीस की बात करें तो भाई इस कॉलेज की आपकी पर एनम फीस है ₹44,100। इस कॉलेज का जो कैंपस है भाई वो आपका 360 एकड़ में फैला हुआ है। हॉस्टल फैसिलिटी भाई इस कॉलेज के अंदर भी आपको मिल जाती है। अब बढ़ते हैं यार अपने नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, जिसका नाम है CLDSIET सिरसा। भाई देखो इस कॉलेज का पूरा नाम है चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिरसा। ये जो है यार एक काफी पुराना कॉलेज है, 2003 में यार ये कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुका था। रिकॉग्निशन की बात करें तो द इंस्टीट्यूट इज अफिलिएटेड टू चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी एंड इज अप्रूव्ड बाय AICTE एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। फीस की बात करें तो भाई इसकी एक साल की फीस है ₹42,000। कैंपस की बात करें तो द इंस्टीट्यूट कैंपस इज स्प्रेड ओवर 43 एकर्स। हॉस्टल फैसिलिटी भाई इसके अंदर भी आपको बोथ बॉयज और गर्ल्स के लिए मिल जाती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलेज के ऊपर, जो कि है RBSSIET रेवाड़ी। इस कॉलेज का पूरा नाम है भाई राव बीरेंद्र सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रेवाड़ी। यह कॉलेज और भाई CRSSIET झज्जर, ये दोनों कॉलेज भाई लगभग सेम है। इनका भाई इंफ्रास्ट्रक्चर भी सेम है, इनका कैंपस एरिया भाई सेम है, दोनों का 40 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है। दोनों ही भाई आपके 2017 में एस्टेब्लिश हुए थे, मींस आपको देखने में लगेगा कि आप सेम ही कॉलेज के अंदर हो, लेकिन भाई लोकेशन अलग है, वो आपका झज्जर में लोकेटेड है और यह कॉलेज भाई आपका लोकेटेड है रेवाड़ी में। फीस की बात करें तो भाई इसकी फीस भी ₹40,000 पर एनम है। हॉस्टल फैसिलिटी भाई इस कॉलेज के अंदर भी आपको मिल जाती है। तो भाई अब यार अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की, कि भाई मान लो आपका इन चारों ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देनी है, तो भाई मैं आपको बताना चाहूंगा यार ये चारों कॉलेजेस ही बराबर से हैं, इनमें यार ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई ट्राई करना जो कॉलेज आपके बिल्कुल पास पड़े आप उसमें एडमिशन लेना। लेकिन भाई अगर यार आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि अप डाउन किसी भी कॉलेज में नहीं कर सकता, जैसे कि भाई मैं अगर मेरा केस बताऊं
तो भाई मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, फरीदाबाद से भाई इनमें से किसी भी कॉलेज के अंदर भाई अप डाउन करना पॉसिबल नहीं है। तो भाई उस केस में यार आपको क्या करना है यार, आप जहाँ 100 किलोमीटर दूर एडमिशन ले रहे हो वहाँ यार 200 किलोमीटर दूर भी एडमिशन ले सकते हो अगर आपको हॉस्टल में ही एडमिशन लेना है तो। ऐसा नहीं है भाई, ये एक कॉलेज हरियाणा में है और एक आपका तमिलनाडु में जाके बस रहा, तो भाई वो केस आपका बिल्कुल भी नहीं आगे इनके अंदर। तो उस केस में भाई जो आपका प्रायोरिटी ऑर्डर रहना चाहिए उसमें भाई सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है मेरे हिसाब से SIET नीलोखेड़ी को। उसके बाद भाई सेकंड नंबर पे आपको प्रेफरेंस देनी है भाई चौधरी देवीलाल स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिरसा। थर्ड नंबर पे भाई आप प्रेफरेंस देना CRSSIET झज्जर को। और भाई फोर्थ नंबर पे आप प्रेफरेंस देना RBSSIET रेवाड़ी को। एडमिशन भाई आपका इन चारों कॉलेजेस में से किसी ना किसी कॉलेज में गारंटी के साथ हो जाएगा। अगर ऑनलाइन काउंसलिंग में एडमिशन नहीं होता तो भाई ओपन काउंसलिंग में ट्राई कर लेना, वहां पे आपका पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में भाई किसी पर्टिकुलर कॉलेज का रिव्यू चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो वो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जल्द से जल्द भाई उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।